वेलकम बैक। हाउस प्लान 24 फीट बाय 36 फीट, जो कि 3 BHK बनाया गया है और एक लिविंग एरिया और किचन ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। तो सारा कुछ हम डिटेल 3D व्यू में इसका देखते हैं और वीडियो के लास्ट में हम इसके 2D प्लान को भी समझा देंगे, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा कौन सा पिलर कहाँ पे और कितना किधर कितना बेडरूम होगा। इसमें टोटल ये हमारी फ्रंट व्यू हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पिलर और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी हम डिटेल में देख लेंगे। ये हमारी फ्रंट व्यू हो जाएगी कंप्लीट हाउस की, जो कि हमारा एक मेन डोर, एक ग्राउंड लेवल से विंडो और एक रूम का विंडो दिखेगा। सामने आप फ्रंट एलिवेशन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारी इंट्रेंस डोर हो जाएगी, जो कि 6 फीट बाय 8 फीट का आप डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी लार्ज है, या फिर आप 4 बाय 8 भी रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ से जस्ट एंट्री करने के बाद ये हमारा लिविंग रूम हो जाता है। 10 फीट बाय 11 फीट के स्पेस में डिज़ाइन किया गया है। इसकी टॉप व्यू से हम बात कर लेते हैं। हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल कारपेट यूज किया गया है पूरे फ्लोर पे, ताकि ये और लुक इनहेंसिव हो सके। और ये हमारी लिविंग एरिया हो जाएगी, जिसमें कि हमने सोफ़ा, एक स्मॉल सोफ़ा और एक स्मॉल टेबल यूज किया है। ये हमारी इसकी इनसाइड व्यू हो जाएगी, जिसमें कि ये हमारा इनसाइड व्यू हो जाएगा, जो कि स्टेयर के नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। स्टेयर के नीचे वाले पार्ट को भी प्रॉपर यूज किया गया है, ताकि कोई भी कॉर्नर वेस्ट न जाए। तो ये हमारे स्टेयर के नीचे वाले स्पेस हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट डोर हो जाएगा और ये विंडो हो जाएगा, जो कि ग्राउंड लेवल से लगा होगा। और ये आप यहाँ पे सामने एक पेंटिंग अरेंज कर सकते हैं, ताकि लुक और इनहेंसिव हो जाए। और उसी के जस्ट सामने हमने लिविंग एरिया के जस्ट साइड में हमने एक डाइनिंग स्पेस अरेंज किया है, जिसमें कि आप 4 to 6 फैमिली मेम्बर इजीली डिनर कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट लिविंग एरिया कम डाइनिंग एरिया हो जाएगी और स्टेयर वाला पार्ट हो जाएगा। स्टेयर वाले पार्ट ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कॉमन लेट बाथ की बात करें, तो यहाँ पे ये हमारा कॉमन लेट बाथ हो जाएगा, जिसके डायमेंशन यहाँ पे 8 फीट बाय 5 फीट रखी गई है। ये हमारा इनसाइड भी होगा, जिसमें कि आप इसे लुक और इनहेंसिव कर सकते हैं। ये हमारा टॉप भी हो जाएगा कॉमन लेट बाथ की। और उसी के जस्ट साइड में हमारा ये किचन का स्पेस होगा। किचन की लुक की बात करते हैं, हमारा फ्रंट हो जाएगा, जो कि वुडन फिनिश से डोर यहाँ पे ओपन रखा गया है और सामने वाले टाइल्स को डिफरेंट बनाया गया है। ये हमारी डबल सिंक और साथ में स्लैब और विंडो दिया गया, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके सामने वाले एरिया में। ये हमारी किचन हो जाएगी, जो कि इस तरह से दिखेगा हमारा। ये टॉप व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसी है। इसके स्पेस की बात करें तो आप 8 फीट बाय 8 फीट रख सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने ही हमारा डाइनिंग एरिया हो जाएगा, जो कि डाइनिंग टेबल अरेंज किया गया है। अब इसकी हम बेडरूम की बात करें, तो एक बेडरूम हमारा जस्ट लिविंग एरिया के साइड में ही रखा गया है। ये हमारी बेडरूम फर्स्ट हो जाएगी। इसकी साइज यहाँ पे 11 फीट बाय 10 फीट रखा गया है, जिसमें कि आप इजीली एक बेडरूम और एक लार्ज स्टोर रूम रख सकते हैं क्लॉथिंग के लिए, और आप टीवी यूनिट अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी काफ़ी स्पेसी रूम हो जाती है। और साइड में हमारा एक विंडो हो जाएगा, जो कि आउटसाइड हमारा हाउस के ओपन होगा, ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके रूम में। ये तो हमारी बेडरूम फर्स्ट हो गई। इसके बेडरूम सेकेंड की बात करें, तो ये हमारा बेडरूम सेकेंड और थर्ड, जो कि अटैच हो जाएगा, दोनों बैक साइड में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये हमारी बेडरूम हो जाएगी दो, जिसमें आप सिमिलर डायमेंशन 11 फीट बाय 11 फीट दोनों बेडरूम रख सकते हैं। काफ़ी लार्ज रूम हो जाती है। तो ये हमारी इनसाइड व्यू हो जाएगी इस बेडरूम की, जिसमें कि आप ये बेड और एक मीरा अरेंज कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर स्टोरेज भी का भी स्पेस हो जाए। ये हमारी टॉप भी हो जाएगी, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे स्टोरेज स्पेस हो जाएगी, सामने एक विंडो हो जाएगा और आप टीवी यूनिट अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट बेडरूम हो गई सेकंड बेडरूम। थर्ड भी सिमिलर है, जो कि 11 फीट बाय 11 फीट में अरेंज किया गया है। तो बेडरूम और साथ में उसके क्लॉथिंग स्टोरेज दिया गया है, और सामने आप एक टीवी यूनिट अरेंज कर सकते हैं, जो कि एक विंडो से कनेक्टेड होगा, ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके। इसके इनसाइड
की बात कर लेते हैं तो इनसाइड आप भी देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट इनसाइड भी हो जाएगा जो कि सामने दो बेडरूम, ये हमारी कॉमन लेट बाथ किचन ओपन हो रहेगी और एक बेडरूम हमारा इस वाले एरिया में यहाँ दिया गया है, तो ये हमारी कंप्लीट इनसाइड भी हो जाएगी। इसकी फ्रंट की बात करें और साइड व्यू की, तो ये हमारा फ्रंट भी हो जाएगा जो कि इस तरह से दिखेगा। आप फ्रंट एलिवेशन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारी साइड व्यू हो जाएगी, ये बैक व्यू और ये हमारा साइड व्यू हो जाएगा। इसकी 2D प्लान की बात करें तो ये हमारी 2D प्लान हो जाएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा 3 बेडरूम और कॉमन लेट बाथ किचन और लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया स्टेयर वाला पार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने हाउस को सिमिलर डिजाइन रख सकते हैं। और सामने हमने 2-3 फीट का एक पोर्च रखा है ताकि आप यहाँ पे खड़े हो सके, जो कि आप हाइट में 5-6 इंच अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट 2D व्यू हो जाएगी। पिलर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो कंप्लीट हाउस में आपको अप्रॉक्स 12 पिलर यूज कर सकते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो आपको अप्रॉक्स कंप्लीट हाउस 24x36 के बनाने में ग्राउंड फ्लोर को अप्रॉक्स 12 से 13 लाख रुपया लग जाएगा। तो ये आज का हाउस प्लान 24x36 का, जो कि 3 BHK पार किचन और लिविंग एरिया ऑल फैसिलिटीज के साथ बनाया गया था। तो हाउस प्लान अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।